Hello, welcome to Urban Singh Academy. We are discussing permutation now, and this is the lecture number 10. I hope you have already watched part 1 to part 9 before watching part 10. Aaj thodi advanced questions, kuch language or application permutation ke seekhte hain, aur dekhte hain ki us tarah ke questions ko kaise kiya ja sakta hai. Questions ki prakriti kaisi hogi, aur question kis tarah se solve karenge, ye aaj seekhte hain. तो एक क्वेश्चन लेते हैं कि लेट मी राइट हियर क्वेश्चन इज इन अ बस देयर आर सिक्स वैकेंट सीट्स अमंग व्हिच व्हाट इज रिजर्व फॉर लेडी A lady can sit on any one of the seat, but a gents cannot sit on the seat reserved for lady. If one woman and three men enter into the bus, how many ways they can sit. This is the question. Now we have to discuss here this, there are six vacant seats. Number of vacant seats are six. Lady can sit on any one of the seats. She is free to sit anywhere. But gents are restricted here. And we are discussing restricted permutation. So here, gents are restricted. They cannot sit on any seat reserved for lady. Cannot sit. Gents cannot sit on the seat reserved for lady. So it is all discretionary about the lady. Lady ki marzi hai. और लेडीज सीट पे रिजर्व सीट पे बैठे या ना बैठे दो पॉसिबिलिटी बनती है कि लेडी या तो रिजर्व सीट पर बैठेगी या नहीं बैठेगी अगर लेडी रिजर्व सीट पर बैठना चाहती है मान ले कि लेडी रिजर्व सीट पर बैठ जाए तो क्या होगा तो जेंट्स के लिए 5 सीट अवेलेबल होगा अगर लेडी जेंट्स वाली किसी सीट पर बैठ जाए लेडी रिजर्व सीट पर ना बैठे तो जेंट्स के लिए कितनी सीट बचेगी एक सीट तो लेडी ने रिजर्व कर लिया जेंट्स बेचारे लेडीज वाली सीट पर बैठ नहीं सकते जेंट्स वाली जो जनरल सीट है उसमें से एक लेडीज ने रिजर्व कर लिया तो उनके पास 6 सीट में से 2 सीट तो चली गई बचे 4 सीट उन 4 पर बैठने के मौके मिलेंगे तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन लेडी कि उसने कहां बैठी है ठीक है तो हम ये कंसीडर करते हैं कि फर्स्ट Let me write a solution. When lady sit on reserved seat, when lady sit on reserved seat. So, what will happen in that case? There are situations like this. These are the situations. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 seat hai. Yeh seat maan lete hai ki lady special hai. Aur lady yahan par baith gayi.
तो लेडी यहाँ पर बैठ गई, ये तो कितने तरीके से बैठेगी, ये लेडी यहाँ पर बैठ गई, ठीक है। तो लेडी यहाँ पर बैठ गई तो एक तरीके से बैठेगी, एक ही सीट है, एक लेडी है, एक तरीके से बैठ जाएगी। अब जेंट्स कितने हैं हमारे पास, थ्री जेंट्स आते हैं, वन वुमेन एंड थ्री मेन, थ्री मेन को बैठना है। सीट कितनी अवेलेबल है, फाइव। तो पहला आदमी कितने तरीके से बैठेगा, फाइव तरीके से बैठेगा, पांच में से किसी एक सीट पर बैठ जाएगा, पांच सीट खाली है, पहला आदमी आएगा उस पांचों में से किसी एक पर बैठ जाएगा। तो देयर आर फाइव वेज टू सीट ऑन एनी वन ऑफ द रिमेनिंग फाइव सीट्स बाय फर्स्ट पर्सन व्हिच विल एंटर इन द बस फर्स्ट। तो पहला आदमी पांच तरीके से, जो पहला आदमी बस में एंटर करेगा वो पांच तरीके से बैठेगा, दूसरा आदमी आएगा तो कितनी सीट खाली रहेगी, चार, तो फोर तरीके से बैठेगा, फोर वेज होंगे उसके बैठने के। जब थर्ड पर्सन एंटर करेगा तो थ्री वेज होंगे, क्योंकि ओनली थ्री सीट्स आर वैकेंट, देन तीन खाली सीटों में से वो किसी एक पर बैठ जाएगा। तो इस प्रकार से बैठने के तरीके होंगे 5 × 4 × 3 दैट इज 60 वेज। 60 वेज बैठ जाएंगे जब लेडी रिजर्व सीट पर बैठेगी। केस टू हो सकता है, व्हेन लेडी डू नॉट सीट ऑन रिजर्व सीट, केस टू व्हेन लेडी डू नॉट सीट, डजंट सीट, डजंट सीट ऑन रिजर्व सीट, सीट ऑन रिजर्व सीट, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में होगा ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 छह तरीके होंगे। इस स्थिति में लेडी का सीट यहां पे रिजर्व था और वो यहां पे बैठी रही, अब लेडी इन पांचों में से किसी एक पर बैठेगी, तो लेडी के बैठने के कितने तरीके हो गए, 5। उसके बाद जो दूसरा आदमी आएगा उसके लिए कितनी सीट बची रहेगी, 4। उसके बाद जो आदमी आएगा उसके लिए 3, उसके लिए 2, यानी 120 वेज। बैठना सबको है इसलिए हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो या तो पहला केस होगा या दूसरा केस होगा, या तो अब दूसरे केस में लेडी को एक जनरल मानेंगे, अब लेडी रिजर्व सीट पे तो बैठ नहीं रही है, तो बैठने वाले चार लोग हैं, देयर आर फोर पर्सन इंक्लूडिंग वन लेडी एंड थ्री जेंट्स, सो फोर पर्सन और सीट कितनी है, 5। सो फर्स्ट पर्सन कैन सीट इन 5 वेज, सेकंड पर्सन कैन सीट इन 4 वेज, थर्ड पर्सन कैन सीट इन 3 वेज एंड फोर्थ पर्सन कैन सीट इन 2 वेज। अब या तो पहला केस होगा या दूसरा केस होगा, इधर फर्स्ट अरेंजमेंट इज पॉसिबल और सेकंड अरेंजमेंट इज पॉसिबल, इधर और सिचुएशन इज देयर, एंड इन दैट केस व्हाट टू डू, द टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कैन बी डिटरमाइंड बाय एडिंग दिस टू अरेंजमेंट्स, यू नो, सो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इन दैट केस वुड बी, सो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विल बी 120 + 60 दैट इज 180 वेज, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज 180 वेज। सो ओवरऑल दिस इज 60 + 120 इज 180 वेज, राइट। सो दिस इज व्हाट टू डू एंड व्हाट यू गॉट, ये आंसर आएगा जब लेडी या तो रिजर्व सीट पर बैठेगी या लेडी रिजर्व सीट पर नहीं बैठेगी। तो ये दो सिचुएशन होंगे और इस तरह से ये क्वेश्चन बनेगा। तो आप देख रहे हैं कि कैसे जब भी बनेगा तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालने के लिए हमें प्लस करनी पड़ेगी, और अगर कैसे नहीं बनेगा तो हमें एक ही साथ एक ही अरेंजमेंट होगा तो अलग अलग अरेंजमेंट को हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए एक दो क्वेश्चन और लेते हैं और देखते हैं कैसे बनेगा। थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, और कंडीशन जो है वो थोड़ा पर्टिकुलरली रिस्ट्रिक्टेड है, उस पे हम बात कर रहे हैं। सो हाउ टू डील विद सच क्वेश्चंस, लेट मी एक्सप्लेन दिस। सो क्वेश्चन इज, देयर आर 10 इंटरिंग मीडियरी स्टेशंस बिटवीन टू जंक्शन। क्वेश्चन इज, मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट एबल टू डू दिस। There are intermediary, मतलब in between, ST
associations between two junctions. There are 10 intermediary stations between two junctions. 4 new stations. 4 new stations are created. 4 new stations are created. How many different types of tickets? How many different types of tickets? How many different types of tickets is required if one type of ticket is valid for one way of journey. आपके सामने क्वेश्चन मैंने लिखा और इस क्वेश्चन को हम डिस्कस करना चाहेंगे। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा कॉमन बिहेवियर का क्वेश्चन है। ये हमारे एवरीडे लाइफ में होता रहता है। जब कुछ स्टेशंस होते हैं, कुछ नए स्टेशंस बीच में क्रिएट हो जाते हैं, कुछ एक्सटेंशन हो जाते हैं, बीच में क्रिएट हो, किनारे क्रिएट हो, कहीं भी हो, उस लाइन में टिकट स्टेशंस क्रिएट हो जाते हैं और फिर हमें नया टिकट प्रिंट करने पड़ते हैं। क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें? एक तो चीज है, बड़ा चलाकी से लिखा हुआ है कि 10 इंटरमीडिएट स्टेशंस बिटवीन टू जंक्शन। ये क्वेश्चन आईएएस एग्जाम में भी आया हुआ है, ठीक है, प्रिलिम्स में। 10 इंटरमीडिएट स्टेशंस बिटवीन टू जंक्शन, जंक्शंस आर आल्सो स्टेशन। तो पहली धोखा तो यही हो जाती है कि जनरली बच्चे 10 स्टेशन समझ लेते हैं, जबकि स्टेशन इन फैक्ट है कितने? 12। There are 12 stations in all because junctions are also stations. Thus, the station intermediary है, मतलब उनके बीच में है, total station 12 12। तो 12 stations पहले से हैं और लिखा है कि one ticket is valid for one way of journey। इसका मतलब जाने की arrangement अलग है, आने की arrangement अलग है। तो 12 stations हो गए। इन 12 स्टेशंस के साथ पहले से कुछ अरेंजमेंट होगी और एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए एक टिकट चाहिए होता है, जहां से आप जा रहे हैं और जहां पर जा रहे हैं। तो दो स्टेशंस को चुनने हैं हमें, 12 स्टेशंस हमारे पास हैं, उनमें से दो को अरेंज करने के तरीके हमें ढूंढने हैं। तो कैसे करेंगे? अब सपोज करो कि यहां पर एक स्टेशन ए है और एक जंक्शन ये ए है और ये बी है जंक्शन, और इसके बीच में 10 स्टेशन है, ये 10 स्टेशन है इसके बीच में, राइट? इसके बीच में ये 10 स्टेशन है, जो छोटे छोटे 10 स्टेशन है, तो टोटल स्टेशन हो गए 12। एक कॉमन आईक्यू से हम पहले इसको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद एक आपको फॉर्मूला भी बताऊंगा, उस फॉर्मूले से भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब जब बताओ कि अगर एक नया स्टेशन क्रिएट हो जाए, ये एक नया स्टेशन क्रिएट हो गया, तो जितने पुराने स्टेशन है वहां पर पैसेंजर आएगा और वो कहेगा कि हमको स्टेशन पी पर जाना है, नाम इसका दे देता हूं पी, स्टेशन पी पर जाना है। तो यहां से जितने पुराने स्टेशन है सबको एक एक टिकट तो कटानी ही पड़ेगी, एक एक टिकट प्रिंट करके रखवानी पड़ेगी, क्योंकि पी स्टेशन के लिए कोई आएगा और आपसे टिकट मांगेगा तो आपको देने पड़ेंगे। तो जितने पुराने स्टेशन हैं उनको एक एक नया टिकट प्रिंट करा के रखने पड़ेंगे, सही है नहीं है? बताओ, है ना? जितने पुराने स्टेशन हैं सबको एक एक टिकट प्रिंट करा के रखने पड़ेंगे। पैसेंजर आएगा और बोलेगा कि हमें पी स्टेशन पे जाने के लिए टिकट दो, तो एक टिकट उनको देना पड़ेगा। ए से पी के लिए, यहां से पी के लिए, यहां से पी के लिए, यहां से भी पी के लिए, बी से कोई पी पे जाना चाहेगा उसके लिए। तो जितने यहां पे 10 स्टेशन है इनका अगर नाम मैं नंबर रिंग से दे दूं, 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, 10 और ये भी जंक्शन है, तो सब स्टेशन से पी पर जाने के लिए आपको एक टिकट की जरूरत पड़ेगी। और ये जंक्शन बी है हमारा, है ना, और पी पर जाने के लिए एक टिकट चाहिए सबको, सबको चाहिए, ठीक है। पी से इन पे जाने के लिए कितने टिकट चाहिए, 12 पुराने स्टेशन थे तो 12 पर जाने के लिए पी के पास तो कोई भी टिकट पहले से नहीं है, तो 12 टिकट इसके पास प्रिंट करवा कर रखने पड़ेंगे ताकि पी से इन सब स्टेशनों पर जाया जा सके। पुराने स्टेशन को एक एक टिकट चाहिए जबकि नए स्टेशन को कितने टिकट चाहिए, 12, बाकी 12 को जाने के लिए, है ना। अच्छा, अब जरा इमेजिन करो कि पी के अलावा ये दो स्टेशन एक ही साथ खुल जाए, क्यू, तो उसी तरह से क्यू पे से बाकी स्टेशनों पर जाने के लिए 13 टिकट चाहिए जबकि इन सब पुराने स्टेशनों पर कितने चाहिए, एक एक टिकट चाहिए था एडिशनल। यानी अगर दोनों स्टेशन एक साथ बनेंगे पी और क्यू तो जितने पुराने स्टेशन है सबको दो दो टिकट प्रिंट करवा के रखने पड़ेंगे, या तो कोई पैसेंजर पी के लिए आएगा तो एक नया टिकट देनी पड़ेगी, क्यू के लिए आएगा तो एक दूसरी टिकट देनी पड़ेगी, है ना। अगर इसी तरह से आर और एस मान लेते हैं चार स्टेशन और बन गए नए, तो जितने पुराने स्टेशन है सबको कितने कितने टिकट प्रिंट करा के रखनी पड़ेगी, चार चार टिकट प्रिंट करा के रखनी पड़ेगी। चार अलग अलग तरह के पैसेंजर आ सकते हैं और उनसे टिकट की डिमांड कर सकते हैं वहां से जाने के लिए, पुराने स्टेशनों पर जाने के लिए भी मांग सकते हैं, लेकिन पुराने स्टेशन पर जाने के लिए टिकट का अरेंजमेंट पहले से है। नया टिकट कितना प्रिंट कराना है ये बात हमें बतानी है, तो नया टिकट कितना प्रिंट कराना है, अगर चार नए स्टेशन बन गए तो चार नए प्रकार के टिकट की जरूरत पड़ेगी, और चार नए प्रकार के टिकट हर एक पुराने स्टेशनों को चाहिए, तो 12 पुराने स्टेशन है हर एक पे चार नए टिकट होंगे, कितने होंगे नए टिकट, 48 टिकट नए प्रिंट करने पड़ेंगे। और जो नया स्टेशन है इन पर पहले से टिकट तो है नहीं, टोटल स्टेशन कितने हो गए, 12 पुराने थे चार नए हो गए, टोटल 16 स्टेशन हो गए, और हर एक नए स्टेशन पर बाकी 15 स्टेशन पर जाने के लिए 15 डिफरेंट टाइप का टिकट चाहिए, तो जो 4 नए स्टेशन हैं हर एक पे 15 टाइप का टिकट चाहिए, बाकी 15 जगहों पे जाने के लिए तो 60 टिकट चाहिए, 60 नए स्टेशनों के लिए, 48 पुराने स्टेशनों के लिए, टोटल 108 टिकट्स चाहिए, टोटल न्यू टिकट्स चाहिए, वो कितने चाहिए, तो 108। ये तरीका हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। एक ये तरीका है लेमैन लैंग्वेज में समझने के लिए, एक आम आदमी कैसे समझ सकता है उसको समझाने के लिए। अब आप चूंकि पढ़ लिख रहे हैं तो आपको थोड़ा और इंटेलिजेंट तरीका भी आना चाहिए, तो एक फॉर्मूला होता है, चलिए इस फॉर्मूला को हम इंट्रोड्यूस करते हैं आज। और ये फॉर्मूला क्या होता है, NPR, ये NPR ये परमुटेशन का फॉर्मूला है, हालांकि हम चाहते हैं कि कम से कम फॉर्मूला इस्तेमाल हो, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट डेवलप हो, इसलिए अभी तक हमने परमुटेशन इतना पढ़ा दिया लेकिन फॉर्मूला नहीं इस्तेमाल किया था, आज संभवतः हम कभी करेंगे भी नहीं, हम सारे के सारे पूरे परमुटेशन आपको पढ़ा देंगे बट फॉर्मूला नॉट विल बी यूज, ठीक है, नो यूज ऑफ फॉर्मूला। इसको ऐसे लिखते हैं, इसका मतलब होता है कि आउट ऑफ एन थिंग्स, आउट ऑफ एन थिंग्स अरेंज आर थिंग्स एट ए टाइम, अरेंज आर थिंग्स एट ए टाइम, अरेंज आर थिंग्स एट ए टाइम। एन पी आर मीन्स आउट ऑफ एन थिंग्स अरेंज आर थिंग्स एट ए टाइम, एन में से आर को अरेंज करने के तरीके, इसका वैल्यू होता है, ये हम अभी आपको कैलकुलेट करके बता देंगे, आगे बताएंगे आपको कैसे आया, बट एन पी आर होता है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। जैसे आपको 10p2 कैलकुलेट करना है या 9p2 कैलकुलेट करना है तो ये होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, लाइक दिस। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो लिख देंगे 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल, यानी चलिए लिख देता हूं 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7।
फ्रैक्शन फैक्टोरियल तो ये कैंसिल हो जाएगा। मतलब इन शॉर्ट अगर 9p2 आप आगे भी देख पाएंगे 9p2 यहां लिखा है तो 9 को दो बार डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए घटते हुए 9 × 8। अगर 9p3 होता तो शॉर्ट में कैलकुलेशन कैसे करते 3 टाइम्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख देते उनका प्रोडक्ट कर लेते 9 × 8 × 7 9p3 9 × 8 × 7 इस तरीके से। तो यहां पर कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला किस तरह से इस्तेमाल होगा अगर इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें ये समझने के लिए था ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है ठीक है। अब हम यहां पर इस्तेमाल करें कि इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कैसे करें तो आप देख रहे हैं कि स्टेशन जाने के लिए जहां बोर्डिंग होती है जहां लोग चढ़ते हैं ट्रेन पे वो होता है और जहां पे लोग उतरते हैं वो होता है यानी दो स्टेशन होता है। दो स्टेशनों के बीच में कितने अरेंजमेंट होने चाहिए तो हमारे पास टोटल 16 स्टेशन है तो 16 स्टेशन के लिए नंबर ऑफ न्यू टिकट्स कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ टिकट्स होंगे 16p2 है ना 16 में से दो को अरेंज करने के तरीके। लेकिन 12 स्टेशन पहले से थे उनकी अरेंजमेंट ऑलरेडी थी तो उनमें कितने अरेंजमेंट 12 में होंगे दो दो को अरेंज करने के तरीके 12p2 16p2 टोटल नंबर ऑफ टिकट्स होने चाहिए जिसमें से 12 स्टेशन के बीच में अरेंजमेंट ऑलरेडी थी यानी 12p2 अरेंजमेंट ऑलरेडी थी तो नया टिकट कितना हुआ 16p2 -12p2। जैसे कि आपने देखा यहां 9p2 को दो बार घटते हुए लिख दिया 16p2 को भी दो बार घटते हुए लिख देंगे 16 × 15 कैलकुलेट करेंगे तो और 12 को भी 12 × 11 व्हाट इज दैट 240 -132 = 108 और ये क्या हो गया आंसर। तो यही आंसर आएगा आंसर दोनों में सेम आएगा क्योंकि तरीका अलग अलग हो सकता है क्वेश्चन के बेसिक फॉर्मेशन एक ही होता है। यहां हमने फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है यहां हमने कंसेप्ट का इस्तेमाल किया है आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप अडॉप्ट कर लीजिए और क्वेश्चन को बनाइए ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ न्यू टिकट्स 16 टोटल स्टेशन हो गए 4 नए स्टेशन बन गए तो टोटल स्टेशन कितने हो गए टोटल स्टेशन 16 हो गए 16 में से दो को अरेंज करने का तरीका क्या होगा 16p2 और p2 लिखने का मतलब दो बार घटते हुए लिखते हैं 16 × 15 इस फॉर्मूला से भी कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा टोटल 16p2 यानी 240 टिकट चाहिए 240 टिकट चाहिए लेकिन इसमें से 12p2 अरेंजमेंट ऑलरेडी देयर पहले से था उसमें तो 12p2 अरेंजमेंट पहले से था वो माइनस कर दिया तो नया अरेंजमेंट कितना चाहिए नए टिकट कितने चाहिए ये निकल के आ गया कि 108 होना चाहिए। मैंने ये क्वेश्चन कई बार इंटरव्यू में टीचर से पूछा है एंड दे आर नॉट एबल टू प्रॉपर्ली रिप्लाई दिस आंसर ठीक है ना। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है आप भी अपने दोस्तों से और उससे और लोगों से पूछ सकते हो देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना बढ़िया क्वेश्चन है जनरली लोग जवाब नहीं दे पाते ठीक है। आपको समझ में आ गया आई होप बिल्कुल आ गया होगा और इसके बाद अब आगे भी कुछ देखते हैं। अब अगर क्वेश्चन ऐसा हो जाए हाउ मेनी नंबर्स हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 5 डिजिट मोर देन 2 lakhs can be formed with digits 0, 1, 2, 3, 4, 5.
when repetition of digits are not allowed. यहाँ पे एक ही जगह रिस्ट्रिक्टेड है. ये क्वेश्चन कैसे बनेगा ये समझने वाली बात. सॉल्यूशन इसका हम लेते हैं और ये देखते हैं कि ये एक नंबर है, पांच सिक्स डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 2 lakhs इज अ सिक्स डिजिट नंबर. सो यहाँ पे सिक्स डिजिट होने चाहिए, 1 2 3 4 5 एंड वन मोर प्लेस यू कैन क्रिएट एंड दैट इज टोटल सिक्स प्लेस. सिक्स प्लेस में चूंकि नंबर मोर देन 2 lakhs चाहिए तो यहां पे 0 और 1 एलिजिबल नहीं है. तो इस जगह के लिए कौन कौन एलिजिबल है, 2 3 4 5. सो दिस प्लेस कैन बी अरेंज बाय एनी वन ऑफ दिस 4 डिजिट्स. दिस प्लेस कैन बी अरेंज इन 4 डिजिट. एक नंबर आपका ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुका, अब आपके पास बचे हैं टोटल 6 में से एक बच के इस्तेमाल हो गया, बचा है 5. तो इस जगह को अरेंज करने के 5 वे, यहाँ 4 वे, यहाँ 3 वे, यहाँ 2 वे और यहाँ 1 वे. यानी आंसर हो गया 5 फैक्टोरियल दैट इज 120 इनटू 4 दैट इज 480. सच नंबर्स कैन बी फॉर्म एंड देयरफॉर आंसर इज 480. तो धीरे धीरे रिस्ट्रिक्शंस बढ़ता जाएगा, एक प्लेस के लिए, दो प्लेस के लिए, तीन प्लेस के लिए, और उस तरीके से हम इसके आंसर्स कैलकुलेट करते जाएंगे. अगर यही क्वेश्चंस ये लिखा हो कि कितने ऐसे नंबर हैं मोर देन 24,000, यहां पे मोर देन की जगह पे ये हो जाता कि 24,000 पूरी चीज ना होती, यहां पे ये होता मोर देन 24,000 कैन बी फॉर्म, कैन बी थाउजेंड कैन बी फॉर्म, thousand can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, repetition of digits are not allowed. तब आपका आंसर क्या होता? तब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लिखते हैं कि नंबर या तो 4 डिजिट का हो सकता है या 5 डिजिट का हो सकता है. केस फर्स्ट, when number is 4 digit, when number is a 4 digit number, number is a 4 digit number, sorry 5 digit number, 5 digit number, डिजिट नंबर, ठीक है. तो क्या होता, 5 डिजिट नंबर ये होते 1 2 3 4 5. यहां पर क्या होता, 2 होता 2. अगर हम यहां पे 3 4 5 कुछ भी लिखते एक केस 3 4 5 तो क्या होगा, ये सारे 24,000 से ज्यादा होगा क्योंकि 3 रखने से क्या होगा 30,000 से ज्यादा, यहाँ पे 4 रखने से क्या होगा 40,000 से ज्यादा. तो इस जगह को अरेंज करने के 3 तरीके हो गए. अब बचा हमारे पास क्या, तो बाकी बचे हुए हमारे पास 1 2 3 4 5 6 में से एक इस्तेमाल हो गया, यहाँ पे 5 बच गया, 4 3 और 2. तो ऐसी स्थिति में ये होगा 360 वे. अगर नंबर 5 डिजिट का होता, व्हेन इट इज ए नंबर इज ए 6 डिजिट नंबर, नंबर एक, इसमें एक दूसरा केस भी होगा, सॉरी एक दूसरा केस भी होगा इसमें, जब यहां पर 2 हो तो यहां पे 4 5 हो सकते हैं, तब ये 24,000 से ज्यादा होगा यहां पर 5 डिजिट नंबर. तो इस जगह को अरेंज करने के 2 तरीके, इस जगह को अरेंज करने के 1 तरीके. 3 इस्तेमाल हो चुके, मतलब 2 नंबर इस्तेमाल हो चुके, आपके पास कितने नंबर बच गया, 6 में से 2 इस्तेमाल हो गए. तो यहाँ 4 × 3 × 2 रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 4 फैक्टोरियल दैट इज 24 × 2 48 नंबर्स बन जाएंगे. व्हेन नंबर इज 5 डिजिट तब क्या होगा, व्हेन नंबर इज 5 डिजिट नंबर तो अभी 6 डिजिट नंबर तो आप देखते हैं कि 6 डिजिट नंबर में कितने नंबर्स बने थे पिछले क्वेश्चन में, 1 2 3 4 5 6. यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं, यहाँ पे 6 डिजिट नंबर के लिए यहाँ पे 5 होंगे क्योंकि 0 नहीं हो सकता, और यहाँ पे बाकी बचे हुए 5 फैक्टोरियल, यानी 5 फैक्टोरियल टू 5 इज इक्वल